दे हैड टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे हैव देर अकाउंट वेटेड एंड लास्ट में क्या था रिस्क था टू लूज देर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और दे कुो लूज देर लैंड्स तो ये सारी चीजों से फार्मर्स को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम इस्टेब्लिश करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इन रूरल एरियाज जो थे हमारे बैंक्स जो बैंकिंग फैसिलिटी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई वो हम वहाँ पर पहुंचाएंगे क्यों द वेरियस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर यूज टू एक्सप्लॉय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बाई लेंडिंग टू दैम एट हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड बाई मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स टू कीप दैम इन डेट ट्रैप डेट ट्रैप क्या होता है हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि वहाँ पर क्या है अगर फार्मर ने छोटा सा लोन लिया है तो उसके ऊपर पहले तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो लोन इतना बड़ा हो जाएगा देन उसके बाद में उनका अमाउंट इंक्रीज़ होते होते क्या होगा फार्मर्स को यूजुअली रिसिट्स नहीं मिलते हैं आगे उन्होंने अगर कोई रीपेमेंट कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होता है और उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता रहता है नाउ लेट से इफ़ यू हैव टू पे इफ यू हैव टू पे मी अज अमाउंट मैं क्या बोलती हूँ आपकी लैंड का आपकी लैंड मुझे दे दो या तो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मुझे दे दो सो यू थिंक कि नहीं भाई एज अ फार्मर कि मुझे मेरी लैंड बचानी है तो मुझे पे करने के लिए आप किसी और से लोन लोगे देन उस बंदे को पे करने के लिए आप किसी और से लोन लोगे तो ये क्या है ये उनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस मैनिपुलेशन प्लस लास्ट में दे लूज देयर लैंड एंड दे प्रोड्यूसो तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू गो विदोर्स विच विश्ड जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी अब देखो हमें यह सोचना है पहले तो कि वहां पे बैंक्स थी, क्यों नहीं रूरल में? क्यों नहीं तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा हमारे प्राइवेट सेक्टर की बैंक है उन्हें क्या मतलब है प्रॉफिट से मतलब है तो दे यूज टू तो केटर द नीड्स ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस बिग बिजनेसमैन बिग पर्सनैलिटीज उनको लोन देना उनके डिपॉजिट्स सब कुछ उनके लिए Why? Because they were in need of profit or वो already private bank है तो private bank तो अपना profit ही सोचेगी But यहाँ पर क्या हो रहा था middle class and rural people उनको कोई banking facility नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से farmers तो जो rural area में ही रहते हैं they were getting exploited तो government decided to bring nationalization banking sector nationalized हुआ in the year 1969 क्यों हुआ मैं आपको बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर था एंड देवर ओनली केटरिंग द नीड्स ऑफ बिग पीपल द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज बिग पर्सनैलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं अब इसको रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी इसीलिए हमारे पास क्या आई गवर्नमेंट बैंक्स आई मेनली हमारे पास में क्या है हमारा आरबीआई है एसबीआई है ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट 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 बैंक्स हैं। रेगुलेट कौन करता करता है? है। आरबीआई तो अब सब कुछ क्या होगा? के के आ गया। you can open a private bank, but आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट सेक्टर असेट्स टू द स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट सो नेशनलाइजेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट सेक्टर असेट्स टू बी ऑपरेटेड और ओन्ड बाय द स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया आपकी आपकी लेकिन रेगुलेशन हमारा रहेगा रूल्स आपको हमारे फॉलो करने जो पॉलिसीज होगी वो हम फ्रेम करेंगे इसीलिए आरबीआई हमारा सबसे ऊपर आता है सबसे ऊपर क्यों आता है बिकॉज दे इट इज द रेगुलेटिंग बॉडी इन इंडिया राइट तो नेशनलाइजेशन का ईयर याद रखना है प्लस नेशनलाइजेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया इन विच ईयर इट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड द एडिक्यूट क्रेडिट विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज द चीप इंटरेस्ट रेट है ना फार्मर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए जितना वो चाहते हैं प्लस उनको चीप इंटरेस्ट रेट पर मिलना चाहिए उतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने हैं एंड नेक्स्ट वॉज टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है फार्मर्स जो छोटे फार्मर्स हैं उनका ध्यान देना है उनकी हेल्प करनी है टू इंक्रीज देयर इनकम प्लस देयर प्रोडक्टिविटी एंड देयर प्रोड्यूस सो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर थे नाउ विच इंस्टीट्यूशन वर एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट लेट्स सी दैट कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट इट्स लाइक अ सोसाइटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हमने सुना है राइट right? तो so, इस टर्म यहाँ पे क्या होता है कि आप जाते हो एज अ फार्मर इफ यू गो देर इफ यू आस्क फॉर लोन दे गिव यू लोन्स और वो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन अवेलेबल कराते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव्स इज टू लिबरेट द इंडियन पेजेंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स एंड टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इंडियन पेजेंट्री को फ्री करना लिबरेट करना पेजेंट्री मतलब फार्मर्स ठीक है इनको फ्री करना उनको लोन प्रोवाइड करना एट लो रेट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव क्रेडिट सेकेंड वन इज लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक में क्या होता है यूजअली फार्मर्स हैव टू मॉर्गेज देर ओन ओन लैंड अगर आप लैंड रखोगे तो ही आपको बैंक से लोन मिलेगा अब देखो लैंड कब हमें रखनी चाहिए फार्मर्स को एक्चुअली जब आप कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो और इफ़ देर सम हैवी परचेज और सम कुछ ऐसा कुछ काम है जिसके लिए आपको बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कराना है लैंड में या कोई बहुत बड़ा इंप्लीमेंट खरीदना है तभी कोई बहुत हैवी पर्चेज है तो ही आपको ये लोन लेना चाहिए दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देर लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड परचेजिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड रीपेइंग द ओल्ड डेट्स यूजअली क्या होता है ये कि लोन केस लिए लेते हैं फार्मर्स दे आर प्रोवाइडेड टू मेक मेजर इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड देन दे केर ऑल्सो हैव परचेजिंग परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट इसका मतलब ये ना कि छोटे छोटे चूजेस आपको सिकल चाहिए आपको कोई छोटी सी चीज़ चाहिए उसके लिए नहीं होता है ट्रैक्टर्स चाहिए हार्वेस्टेड चाहिए कोई बड़ा मशीन लाना है कोई बहुत महंगा फर्टिलाइजर लाना है कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा तो उन चीजों के लिए एक्चुअली फार्मर्स ये लोन लेते हैं इरिगेशन फैसिलिटी करवानी है से आपको इरिगेशन के लिए कुछ करवाना है अपने फार्म पे तो वैसा कोई बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट कराना है या मेजर इंप्लीमेंट लेना है देन यू कैन गो फॉर लैंड डेवलपमेंट बैंक और यहां से आप लोन ले सकते हो नाउ कोऑपरेटिव क्रेडिट लैंड डेवलपमेंट बैंक दो चीजें कवर हुई थर्ड वन इज कमर्शियल बैंक क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स मीन क्या हमारी प्राइवेट बैंक्स जहाँ से जहाँ पे हमारा अकाउंट भी है ठीक है अकाउंट है आपका आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है बट ये कमर्शियल बैंक्स जो थी वो पहले रूरल एरियाज में नहीं थी इसीलिए नेशनलाइजेशन हुआ नेशनलाइजेशन के बाद में क्या हुआ कमर्शियल बैंक्स को समझ में आया कि अब भाई हमें कमाना है नाउ देर आर नो मोर यू नो नाउ यू कैन जस्ट नॉट केटर द नीड्स ऑफ यू नो द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज आपको कमाने के लिए फैसिलिटीज देनी पड़ेगी आपको अलग अलग एरियाज में जाना पड़ेगा तो नेशनलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ कमर्शियल बैंक्स ने धीरे धीरे अपने रूट्स फैलाए एंड दे स्टेप इन टू द रूरल एरियाज जहां पे उन्होंने लोन्स देना फार्मर को स्टार्ट किया एंड फाइनेंसिंग द फार्मर्स बेसिकली इनिशियली कमर्शियल बैंक्स प्लेड अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट मार्जिनल रोल मीन छोटा सा रोल था उनका कि भाई रूरल क्रेडिट में इनका कोई रोल ऑलमोस्ट समझो नेगलिजिबल था बिकॉज रूरल बैंक रूरल एरिया में बैंक थी ही नहीं हाउ एवर आफ्टर नेशनलाइजेशन इन दर नाइनटीन सिक्सटी नाइन दे एक्सपैंडेड देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज एंड स्टार्टेड डायरेक्टली फाइनेंसिंग द फार्मीस फार्मर्स दैट मीन्स उन्होंने क्या किया कि नाइनटीन सिक्सटी नाइन के बाद में उन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन करी रूरल एरियाज में एंड देसिंग द फार्मर्स यहाँ पे लोन्स बैंकिंग फैसिलिटी सब इन्वॉल्व हो गया नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं पहुँच पाई जहाँ पे क्रेडिट नहीं पहुँच पाई तो वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या ओपन की रीजनल रूरल बैंक जिस रीजन में जिस एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पर यह बैंक ओपन हुए दे आर ओपन अपन दोज एरियाज वेथ देर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज

नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इट सिल्फ अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया द लोन्स प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन्स तक्का लोन्स कब मिलते हैं जब कोई डिस्ट्रेस होता है लेट्स से अगर कोई नेचुरल डिजास्टर nat होता है फेमाइन है, आते हैं या ड्रॉट्स आते हैं ठीक है थीके? अगर कुछ भी ऐसा होता है फ्लड जाते हैं तो तब फार्मर्स को लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दैट टू ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट

क्या है अगेन तक लोन्स कब मिलते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई डिस्ट्रेस है प्लस लोन एज लो एज सिक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है नाउ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ये आपको याद रखना है जैसे हमारे लिए आरबीआई है ना सारे बैंक में सबसे ऊपर वैसे एग्रीकल्चर में सारी बैंक में से सबसे ऊपर कौन है नाबार्ड Again, remember the name also National Bank for Agricultural and Rural Development. नाबार्ड आता है अगर एग्रीकल्चरल के रिलेटेड कोई भी मैटर है आपको कितना लोन देना है क्या क्रेडिट देना है हम क्या पॉलिसी लाएंगे फार्मर्स के लिए फार्मर्स का अकाउंट कैसे ओपन कराए लोन कैसे दे कैसे हम फार्मर्स तक पहुंचे ठीक है कुछ भी होगा वो सब कौन रेगुलेट करेगा नाबार इट्स द बॉडी नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कोपरेटिव कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक ठीक है ये तीन चीजें जो है ये बहुत मेन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक इनकी जो क्रेडिट सिचुएशन है ठीक है इन इंस्टीट्यूशन को आपको स्ट्रेंथन करना है और इनको एक्चुअली में रेगुलेट करना है प्लस इनको गाइड करना है हाउ टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट नाबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल टू द नॉन फार्म सेक्टर फार्मिंग के अलावा भी हमने देखा था हमने ये भी देखा है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं करना है वी ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप द नॉन फार्मिंग सेक्टर्स तो नाबार्ड वैसे सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करेगा To promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. ऐसे जो areas है, backward areas है उनकी prosperity, उनका उनकी economy का वहाँ पर कैसे हम regulation चलाएं वहाँ पर हम कैसे actually में awareness लेके आए सब तक कैसे पहुँचे उन सब का ध्यान कौन रखेगा नाबार्ड सो so, अभी तक हमने सिक्स इंस्टीट्यूशन कवर किए Cooperative Credit Society, Land Development Bank, Commercial Banks, Regional Rural Banks, Government itself, and then NABARD. Now there is one more that is self help groups. Recently, self help groups I

प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है फार्मर्स की हेल्प बहुत ज्यादा होती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है और यहाँ पे क्या होता है फार्मर्स को यूजुअली कुछ मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हमारे पास में इतने सारे मैके मैकेनिज्म हैं फॉर्मल डिलीवरी के स्टिल देवर इनएडिक्वेट इसीलिए क्या आया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जनरेट हुए इमर्ज हुए मोर ओवर अस्ट प्रपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड कुड नॉट अवेल क्रेडिट फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ देयर इन एबिलिटी टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कोलेट्रल अगर आपके पास में लैंड नहीं है आपके पास में गोल्ड नहीं है कुछ रखने के लिए कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं था आपको लोन नहीं मिलेगा तो बहुत सारे पुअर फैमिलीज थी जिनको अभी भी जिनके पास में कुछ नहीं था कोलेट्रल रखने के लिए तो इसीलिए दे कु नॉट अवेल द क्रेडिट यू वी एफ कवर्ड द सिक्स इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जहाँ से हम बैंक्स थे जहाँ पे हमने सारे बैंक्स कवर किए बट स्टिल लास्ट में हमने क्या देखा कि जो भी हमारा फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो इनएडिकुएट था अब होता क्या है वहाँ पर इनएडिकुट क्यों हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद की लैंड नहीं है या उनके पास में कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं है या फिर लेट से उनकी उनकी उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बैंक जाके लोन ले पा रहे हैं अभी भी बट एवरीबडी नीड्स हेल्प तो गवर्नमेंट ने एक और ओपन किया दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम्स फॉर माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे क्या हुआ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है फिर अगर फार्मर्स बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे तो अब फार्मर्स के अंदर ही ग्रुप्स बनेंगे ठीक है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनेंगे जहाँ पे एवरी मेंबर हैज़ टू कंट्रीब्यूट सम मनी फिर उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे एंड देन लेटर ऑन अगर किसी मेंबर को उसकी जरूरत है तो उसको मिलेगा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी को अब यहाँ पे को क्यों नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना फार्मर्स के आपस में ग्रुप बनेंगे अगर मैं और मेरे फोर फ्रेंड्स अगर हम पांच लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो हम नहीं बोलेंगे ना भाई तो अपना लैंड मॉर्गेज कर दो तो जरा अपना घर मॉर्गेज कर दो तो जरा इस इतने पैसों के लिए नहीं होता क्यों क्योंकि ये है ना पूरा ट्रस्ट पे चलता है हर कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट करता है तो फार्मर्स जब आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे के ट्रस्ट के भरोसे पे खोलेंगे तो क्या होगा कुछ भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा प्लस दे हैव टू पे वेरी लो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे क्या है फार्मर्स को बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है बाय माइक्रो फाइनेंसिंग वो लोग अपनी अपनी नीड्स का जो भी जो भी नीड्स है वो फुलफिल कर सकते हैं नाउ एस एच जी इमर्ज एज द मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द कंट्री इन रिसेंट ईयर्स दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है इन रिसेंट ईयर्स ओनली हमने डिसाइड किया कि भाई हमें एस एच जी चाहिए ही चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो चाहिए होंगे क्योंकि फार्मर्स पहुँच नहीं पा रहे गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि हम फार्मर्स तक पहुँचे लेकिन फिर भी फार्मर्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पाए तो लिंकेज नहीं हुआ तो माइक्रो फाइनेंस पर हम चले गए कि भाई एस एच जी हम फॉर्म कर लेते हैं Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to formal banking system. So यहाँ पे कौन कवर होते हैं वो रूरल पुअर जिनके पास में कोई एक्सेस नहीं है कि वो बैंकिंग में या फिर उनका बैंकिंग से कोई लेना देना है नहीं बैंकिंग सिस्टम तक वो नहीं पहुंच पा रहे सो दे टारगेट ग्रुप्स कंप्राइजेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स पर्सन एक्सेट्रा जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं रूर, रूरल एरियाज में जिनको जरूरत पड़ सकती है ठीक है तो रूरल एरियाज में यूजुअली पीपल नो इच अदर तो वो आपस में ग्रुप बना के काम स्टार्ट करेंगे ऐसे चीज प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर व्हाट दे आर सेइंग हियर इज दैट अगर आपको बोरो करना भी है पैसा तो क्या होगा पहले आपको अपने पैसे भी डालने पड़ेंगे दैट मीन ईच मेंबर तो आप अगर छोटे छोटे अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो वो बड़ा अमाउंट बनेगा देन यू कैन उसके बाद में आप बोरो कर सकते हो दे विल अलाउ यू टू थ्रिफ्ट ठीक है आप ले सकते हो अगर आपको अनप्रोडक्टिव पर्पस है तो भी आप ले सकते हो बट यू ऑल्सो हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एज अ द कोल्ड मनी

रुपीज टू पॉइंट फाइव लैक्स पर एस एच जी एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड उसको हम क्या बोलेंगे सी आई एस एफ कम्युनिटी सपोर्ट फंड है वो किस लिए देते हैं आर प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ रिनोवेटिंग फंड टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन दैट मीन्स क्या है ये कुछ पैसे हैं जो हर एक एस एच जी ग्रुप्स में उन्होंने कुछ डिसाइड किया अमाउंट ठीक है टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड मिनिमम और मैक्सिमम हम रख सकते हैं टू पॉइंट फाइव लैक्स का लिमिट इतना उनको रखना है अपने सपोर्ट फंड में एंड इट कैन बी गिवन टू द पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड जिनको रिनोवेशन कराना है कुछ छोटा मोटा और प्रोडक्टिव काम है से दे वॉन्ट टू अप समथिंग ऑन देर ओन कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट करनी है इनकम स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड होगा ज़रूरी नहीं आपका सिर्फ फार्म है तो ही आपको लोन मिलेगा अगेन आई एम से नॉन फार्मिंग सेक्टर वाले लोग भी अगर होंगे लेबरर्स होंगे आर्टिशन्स होंगे क्राफ्ट पर्सन होंगे तो भी उनको भी लोन मिलेगा such credit provisions are generally referred to as micro credit programs. What are these? These are micro credit. That means छोटे-छोटे amount के loans. ठीक है? अगर आप bank के पास जाओगे, तो bank आपको 2000, 5000 इतने-इतने loans -इतने नहीं देगा usually. ठीक है? इतने छोटे loans bank में नहीं चलते हैं. तो these are micro credit programs जहाँ पे आपको छोटे-छोटे amounts के loan भी available होते हैं.

प्रोडक्टिव पर्पज लैंड के लिए या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कम पैसा लोग बोरो करते हैं यूजअली लोग क्या करते हैं अपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम के लिए या कुछ भी ऐसी चीज जो उनको जहाँ पे कुछ जाना है कुछ करना है कोई सेरेमनी है जो हमने देखा अनप्रोडक्टिव पर्पज जो होता है उसके लिए यूजली लोग बोरो करते हैं रादर देन बोरोंग फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज तो विच इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस माइक्रोक्रेडिट प्रोग्राम